This news is presented by Yuan Trading Company. डिडवी डिक्कर हमीरपुर सभी प्रकार के पावर टूल्स इंडस्ट्रियल टूल्स और आटा चक्की इत्यादि के लिए संपर्क करें। प्रेस क्लब सिरमौर ने प्रदेश में राज्य व जिला स्तर पर केवल एक एक पत्रकार को मान्यता देने व उपमंडल स्तर में पत्रकारों की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई का कड़ा विरोध किया है। सिरमौर प्रेस क्लब ने पत्रकारों को मान्यता प्रदान करने के लिए सरकार से ठोस नीति बनाने की मांग की है। सिरमौर प्रेस क्लब ने डीसी के जरिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को एक ज्ञापन भेजते हुए मांग की है कि पत्रकारों के लिए मान्यता की एक ठोस नीति बनाई जाए जिसमें प्रदेश जिला व उपमंडल तक पत्रकारों को मान्यता हो। प्रेस क्लब ने यह भी मांग उठाई है कि पत्रकारों को पेंशन योजना के अंतर्गत लाया जाए। सिरमौर प्रेस क्लब के महासचिव सूरत पुंडीर ने कहा कि सरकार की सभी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में मीडिया की अहम भूमिका रहती है, मगर सरकार पत्रकारों की मांगों को लेकर गंभीर नहीं है और पत्रकारों की मांगों की तरफ ध्यान देने की बजाय सरकार उल्टा पत्रकारों के हक को छीन रही है। प्रेस क्लब की ओर से आज हम उपायुक्त सिरमौर के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को एक ज्ञापन भेज रहे थे। हमारी मुख्य मांग है कि हिमाचल प्रदेश में जो पत्रकार काम कर रहे हैं, चाहे वो उपमंडल स्तर से बात करें हम या ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें या जिला स्तर या स्टेट लेवल की बात करें, जैसा कि हमें पता चला है कि हिमाचल प्रदेश सरकार पत्रकारों की मान्यता को लेकर नए रूल फ्रेम कर रही है और इस सिलसिले में हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के जो निदेशक हैं उन्होंने तमाम मीडिया हाउस को पत्र भेजे हैं कि उनकी जो एक्रेडिटेशन है उसमें जिला स्तर पर केवल एक पत्रकार को दी जाएगी, प्रदेश स्तर पर भी एक पत्रकार को दी जाएगी। तो यह मीडिया का हनन है, मीडिया के जो अधिकार है उसका हनन है। जहां मीडिया फ्रंट लाइन पर काम कर रही है वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, जब से सरकार चली है तब से मीडिया कर्मचारियों से पहले सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाता है और मैं समझता हूं कि मीडिया आम कर्मचारी से कई गुना अधिक काम करता है और ऐसे में मीडिया की जो सुविधा है उनको बढ़ाने की बजाय कम किया जा रहा है। हम मांग करते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार और जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है वो लगातार ऐसे बनाएं जिसमें मीडिया को जिला स्तर पर हाउस की भी सुविधा हो, हाउस अलॉटमेंट किए जाए जीएडी के थ्रू। इसके अलावा जो उपमंडल स्तर के जो पत्रकार हैं उन्हें भी एक्रेडिटेशन दी जाए, साथ ही जो हमारे पोर्टल भी जिन्होंने लॉन्च किए हैं पोर्टल को लेके भी हिमाचल प्रदेश सरकार नियम बनाए ताकि पोर्टल पे जो कर्मचारी काम करें वो भी हमारी मीडिया बंधु है, वो भी हमारी मीडिया भाई लोग हैं उनको। हेलो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज़ का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे, भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज़ फेसबुक पे और यूट्यूब पे।